पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहाँ का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम बिता सकते। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के ट्रैफिक कार्यालय के सामने ही चेकिंग के दौरान ट्रैफिक वार्डन और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ रिक्शे में बैठे एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस शख्स ने ट्रैफिक वार्डन पर आरोप लगाया है कि उसे पकड़ के ट्रैफिक वार्डन अंदर ले गए और कई लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि उसके बदन के कपड़े भी फट गए हैं। आपको बता दें कि मुमरा ट्रैफिक विभाग कार्यालय के सामने ही कांस्टेबल और साथ में वार्डन गाड़ियों की चेकिंग के लिए वहां पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। मगर कल शाम के वक्त एक ट्रैफिक वार्डन ने हसमुद्दीन का ऑटो रिक्शा रुकवाया, जो खुद हसमुद्दीन चला रहे थे और पीछे इनका साला साद अहमद बैठा था। सब कुछ ओके होने के बाद हसमुद्दीन के अनुसार वार्डन ने कहा कि चल निकल और गाली दी, जिस पर रिक्शे में बैठे साद आलम ने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और कई ट्रैफिक वार्डन मिलकर साद आलम की पिटाई करना शुरू कर दिए। उसे ट्रैफिक कार्यालय के अंदर ले जाकर भी मारा पीटा गया। वहीं बीच बचाव करने साद आलम के भाई शहनवाज भी पहुंचे और उनके कान पर भी किसी ने मार दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर ने कैमरे पर बोलने से तो मना कर दिया, मगर ये ज़रूर बताया है कि चेकिंग के दौरान वार्डन के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, गाली गलौज की, जिसके बाद इन्हें पकड़कर कार्यालय में लाया गया था। हालांकि ट्रैफिक कार्यालय के सामने जो लोग इस कार्रवाई के दौरान खड़े थे, वो लोग इस तरह की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किसी को भी ट्रैफिक कांस्टेबल या वार्डन को चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों के साथ मारपीट करने की अनुमति कैसे है। आखिर ये लोग कैसे किसी ड्राइवर के साथ मारपीट कर सकते हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक वाहन चालक और ट्रैफिक विभाग दोनों तरफ से कानूनी कार्रवाई ना करते हुए बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच में आपसी समझौता हो गया है, मगर ऑटो ड्राइवर हसमुद्दीन और इनका साला साद अहमद और इनके भाई शहनवाज आलम ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन अली। अच्छा, क्या कैसे विवाद हुआ ट्रैफिक कार्यालय के सामने? मेरे को ट्रैफिक गार्डन ने मेरे को रोका। रोकने के बाद में मैंने लाइसेंस दिखाया, बैच दिखाया। दिखाने के बाद मेरे से मेरा साले से बोला, मैं गाड़ी खड़े ही कर रहा था, फ़ोन आया, मैंने अटेंड कर लिया। उसके बाद अटेंड करने के बाद मैं बात करने लगा, वो मेरे साले को गाली देने लगा। अब मुझे पहले गाली दिया, फिर मेरे साले को गाली दिया। आपका साला आपके पीछे ही बैठा था? हाँ, मेरे पीछे बैठा था। अच्छा, फ़ोन आप चलते ऑटो रिक्शा में इस्तेमाल किए या खड़ी गाड़ी खड़ी करके? खड़ी गाड़ी में मेरे को ट्रैफिक गार्डन ने रोका था। अच्छा, रोका था, रोक के बात कर रहा है। मतलब मुझे विवाद किस बात की हुई? क्यों आपके साथ वो खींच के मारा? बात पे हुई, मैं फ़ोन कर रहा था, मैं थोड़ा हंस के बात कर रहा था और उसका ईगो हाई हो गया। अच्छा, मारपीट हुई है क्या? हाँ, मारपीट हुई। मेरे साले का पूरा साइड फटा हुआ है, पूरा इधर लाल वाल है, अंदर है चौकी के। अच्छा, अंदर लेके गए क्या? अंदर मारे? हाँ, अंदर भी मारे। किसने मारा अंदर? हैं, अंदर किसने मारा? और इनके साथ लोग जो ट्रैफिक गार्डन थे ना, उनके कितने वार्डन हो गए? कुछ आइडिया है आपको? लगभग कितने लोग हो गए? लगभग 6 से 7 लोग। सब वार्डन ने मारा है? हाँ, सब वार्डन थे। हाँ, सब ने मारा है, 6 से 7 लोगों ने मारा। हाँ, कोई ट्रैफिक लोग हवलदार नहीं। इधर से ले जाने के टाइम पे भी मारा? हाँ, इधर से ले जाते ही मारता अंदर घुसकर। क्या नाम है तुम्हारा? जान आलम। कैसे, क्या हुआ था, जोर से बोलो। गाड़ी भाई चला रहा था। हाँ, भाई साहब ने पकड़ा। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? बोलते हैं जा निकल, बोला जा रहा हूँ तो आवाज़ क्या कर रहा है, तो गाली दी। किसने गाली दिया? ये बंदा खड़ा। क्या नाम है, किसने गाली दिया? उसको पूछो। अच्छा, इसका नाम है। एक मिनट, फिर गाली दिया। बोला गाली मत दे भाई, ये मेरा खराब लगता है, कोई भी ठीक है। बोला गाली मत दे, तो इतने में हाथ चलाया।
अच्छा, जितने भी थे मेरे सर्कल किसी का नहीं देगा, बहुत से थे। अच्छा, सब आके मारपीट कर रहे, शर्ट पकड़ के फाड़ दे, पूरा अंदर लिख के चले उसको अंदर, इधर आके सब ऐसा पड़ा हुआ था। हाँ। मैं ऐसा पड़ा हूँ, ये लोग गाड़ी से चला। अच्छा, यहाँ भी मारा गया अंदर, यहाँ गिरा के मारा, सब होटल लोग ही थे। अच्छा, ये लोग सब मैं ऐसे पड़ा, ये लोग गाड़ी से चला रहे। बाद में वो साहब आके उधर से बोले छोड़। कितने लोग मार रहे थे अभी? मैं सफल देख रहा हूँ, मैं ऐसे पड़ा हूँ सर। अच्छा, मेरे को फिर भी लगभग कितने लोगों के आपके? कम से कम पाँच छह। आपने क्या देखा, आपने क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम शहनवाज आलम, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैंने जब इसको मार खाते देखा, पैसेंजर लेके जा रहा था स्टेशन, मैंने गाड़ी उधर ही रोका, मैं इसको बचाने लगा। मैं जिसको भी ऐसे पकड़ रहा हूँ ना, वो हिंसक होते ही चला जा रहा है, फिर मुझे भी मारने लगे। और मुझे भी अंदर खरीद के लिए मेरे कान पे इतनी जोर से मार रहा है किसी ने, मुझे भी बराबर नहीं सुनाई पड़ रहा इधर से। अभी देखो ये भी सूझा हुआ है, ये कोई तरीका है मारने का? और इसको इधर गिरा के लातों घूसों से मार रहे, बताओ हालत देखो उसका क्या करेंगे।